भाई दीपेंद्र सिंह एरी का नाम याद रखना, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी के वजह से नेपाल क्रिकेट टीम जो है अपने मैचेस हारने की जो बदले है वो ले पाई नामीबिया से। मतलब बंदे ने दो बैक टू बैक विकेट लिए, पहला जेजे स्मिथ, दूसरा लॉफ्टी, जिसने लास्ट मैचेस में नेपाल के बॉलरों को बहुत ज्यादा धोया था। और दीपेंद्र सिंह एरी एक ऐसा नाम है नेपाल क्रिकेट टीम में कि भाई उस बंदे से आप पंगा नहीं ले सकते हो। दो बैक टू बैक विकेट, मतलब कहां लग रही थी कि नामीबिया की टीम मैचेस जीत जाएगी। और देखो भाई एक चीज मैं बता दूं, बदला जो है वो तो ले लिया गया है, अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो बदलेगी नेपाल के लिए। हाँ, मतलब अब यहाँ से एक मैच और नेपाल को जीतना, और नेपाल टीम अगर एक मैच और जीत जाती है तो भाई इनके पास चार पॉइंट होके ये लोग फाइनल खेलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आज की थोड़ी इनिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेपाल ने जिस तरह प्रदर्शन दिखाया है, पहले तो बैटिंग, मतलब आज बैटिंग में सारे खिलाड़ियों ने बैटिंग करी है, चाहे वो कुशल मल्ला हो, कुशल मल्ला ने हाफ सेंचुरी लगाई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उठाई वो बहुत ज्यादा भयंकर था। लेकिन दीपेंद्र सिंह एरी को आप मत भूलना, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी की छोटी इनिंग थी लेकिन वो गजब की इनिंग थी। मतलब बंदे ने आते आते, दीपेंद्र सिंह एरी ने आते आते जो छक्के चौके लगाए ना आज, भाई कह सकते हो कि दीपेंद्र सिंह एरी को ऊपर भेजना चाहिए था, नहीं तो अगर ऊपर आज चला आता ना दीपेंद्र सिंह एरी तो स्कोर 200 प्लस था। हालांकि नेपाल ने बहुत अच्छा स्कोर दिया, 180 रन का टारगेट दिया, जिसमें कुशल मल्ला का जो है 50 प्लस का स्कोर था। लेकिन आज सारे बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग करी, चाहे आप यहाँ पे अनिल शाह की बात करो, अनिल शाह ने भी यहाँ पे इंटेंट दिखाया, बहुत खुल के इंटेंट दिखाया। अरे आसिफ शेख बैड लकली आउट हो गए, रोहित पोडेल ने भी यहाँ पे इंटेंट दिखाया, गुलशन झा तो आज यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करने आया था कि मुझे अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करना है, क्योंकि उसको ना बहुत बहुत ज्यादा ना क्रिटिसिज्म मिला है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को, मतलब सहने को मिला है गुलशन झा को। उसने भी आज रन बनाए, लेकिन सबसे बेस्ट चीज हुई है बॉलिंग में, मतलब सोमपाल कामी आते आते जो है विकेट लेते हैं और बाद में नेपाल क्रिकेट टीम का जो बदला था वो बदला यहाँ पे लिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो नेपाल क्रिकेट टीम जो है अपने चार मैचेस हारने का जो बदला है वो ले लिया नामीबिया से। वो एक कहावत है ना, 100 सोनार की एक लोहार की, वो वाली चीजें यहाँ पे हुई है। 100 सोनार मतलब समझ रहे हो, कहावत में है और एक लोहार ये भी कहावत में। तो वो लोहार जो है वो भाई नेपाल की टीम ने यहाँ पे मार मार के यहाँ पे नामीबिया वालों को भगाया आज, मार मार के, चाहे वो बैटिंग में हो बॉलिंग में हो। बॉलिंग में तो मैं आज कहूंगा कि अगर कोई क्रूशल पॉइंट था, अगर किसी खिलाड़ी ने बॉलिंग में आज बहुत अच्छा करा है तो दीपेंद्र सिंह एरी ने करा है, क्योंकि उसने दो विकेट बैक टू बैक लिए, ऐसे खिलाड़ियों को आउट किया जो खतरनाक साबित हो रही थी नेपाल के लिए, जेजे स्मिथ और लॉफ्टी, उस दोनों को मतलब बैक टू बैक आउट किया। तो देखो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है मैचेस जीती है, और अब बस यहाँ से नेदरलैंड को हराना है और फाइनल खेलना है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ चीजें यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट मैचेस अगर नेपाल खेलती है तो 200 प्लस रन का जो टारगेट है उसका यहाँ पे एम रखें, क्योंकि 200 प्लस रन का टारगेट अगर आप लोग एम रखते हो तो आप लोग यहाँ पे 200 प्लस स्कोर बना ही लोगे, ठीक है। वो एक एम रख के खेलना है, क्योंकि आज भी जो है 200 प्लस स्कोर बन जाता है, जिस तरह कुशल मल्ला बैटिंग कर रहे थे, लास्ट में दीपेंद्र सिंह एरी ने आके बैटिंग किया, गुलशन झा बैटिंग कर रहे थे, अनिल शाह बैटिंग कर रहे थे, तो 200 स्कोर जो है प्लस बनना था लेकिन बना नहीं, वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन इससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इससे जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है नेपाल के पास अब यहाँ पे सारे ऑलराउंडर भी भरपूर मतलब मिल गए, जैसे कि दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल्ला भी बॉलिंग मतलब अच्छा ही कर लेते हैं, बाकी यहाँ पे तो और बॉलर को आप जानते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, करण केसी ने आज बहुत घटिया बॉलिंग की है यार, मतलब वो 6-1 6-1 यहाँ पे जो देना और लास्ट में जाकर नो बॉल करना, वहाँ पे मेरा दिल तो भाई पूरा धक-धक कर रहा था कि कहीं नेपाल क्रिकेट टीम ना वो मैच ना हार जाए। सच्ची कह रहा हूँ, मेरा दिल उस टाइम बड़ा धक-धक कर रहा था उस टाइम पे कि नेपाल क्रिकेट टीम मैच ना हार जाए, और उसी टाइम पे आते हैं दीपेंद्र सिंह एरी और लेते हैं विकेट। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट था नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, जो आज यहाँ पे दिखा है दीपेंद्र सिंह एरी की हाथों। और बाकी बैटिंग में यहाँ पे जो है पार्टनरशिप आरिफ शेख की भी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि आरिफ शेख और कुशल मल्ला ने जो पार्टनरशिप लगाई है बहुत अच्छा यहाँ पे पार्टनरशिप लगाई है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा थोड़ी देर बाद, जहाँ पे आरिफ शेख कुशल मल्ला की बैटिंग एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो शेयर करना, और इसे जितने नेपाल क्रिकेट फैंस है सब तक शेयर करना, क्योंकि नेपाल क्रिकेट टीम चार मैचेस हारने के बाद जो है वो मैचेस जीती है। आप इसके शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो।